ई-कॉमर्स वेबसाइट बनाना चाहते हैं और बिगिनर हैं तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। अब मैं आपको बताऊंगा कि एक ई-कॉमर्स वेबसाइट कैसी होनी चाहिए। तो इसका सही आंसर है कि आप सबसे पहले एक नॉर्मल बेसिक वेबसाइट बनाएं जिसका लुक एंड फील ई-कॉमर्स की तरह हो, लेकिन फुली ई-कॉमर्स नहीं। ऐसा क्यों? इसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। इसमें आपको दो इश्यूज आएगी, एक फंडिंग और दूसरा कस्टमर। फंडिंग इसलिए कि फंडिंग आपको अगर अच्छे खासी ई कॉमर्स बनाते हैं तो अच्छे खासी फंडिंग की जरूरत पड़ेगी, और सेकंड अगर आप न्यू बिगिनर है ई कॉमर्स वेबसाइट में तो कस्टमर आपके पास आपकी वेबसाइट पे ₹1 पे करने के लिए भी दो बार सोचेगा और इनसिक्योर फील करेगा कि कहीं फ्रॉड ना हो जाए। इसलिए मैं आपको एक बेस्ट सॉल्यूशन दूंगा कि आप अगर बिगिनर हैं तो सबसे पहले आप एक बेसिक ई कॉमर्स वेबसाइट बनाएं जिसका लुक एंड फील पूरी ई कॉमर्स की तरह हो। अब यूजर जैसे ही आपके प्रोडक्ट पे जाता है, बाय नाउ पे क्लिक करता है, उसे रीडायरेक्ट कर दे अपने किसी B2B Amazon जैसे या Flipkart e-commerce की वेबसाइट पे। अब वहां पे कस्टमर अपने आप को सिक्योर भी फील करेगा, वहां आसानी से पेमेंट भी करेगा। दूसरी चीज, आपकी शिपिंग की प्रॉब्लम भी सॉल्व और पेमेंट गेटवे का इश्यूज भी सॉल्व। तो इस तरह आप अपने फंडिंग और कस्टमर की इनसिक्योरिटी दोनों की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो।